ताजा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। एटा जनपद के थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के अंतर्गत मोहल्ला कृष्णा नगर में 35 वर्षीय महिला का संदिग्ध परिस्थितियों में एक खाली प्लॉट में पड़ा मिला शव 35 वर्षीय महिला का है, जो कृष्णा नगर कोतवाली नगर क्षेत्र के अंतर्गत की निवासी है। शव मिलने से मोहल्ले में सनसनी फैल गई है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नमस्कार, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24, सच की आवाज। महिला का शव मिलने के उपरांत DIG डॉक्टर प्रतिंदर सिंह ने जनपद मुख्यालय पहुंचकर DM सुखलाल भारती, SSP सुनील कुमार सिंह, ASP ओपी सिंह, ASP राहुल कुमार से घटना के बारे में जानकारी की। DIG ने घटना की जानकारी करने के उपरांत अधिकारियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा लिया। अब ये तो पता ही नहीं चली, हम काम पर थे, नेदी रोड पर काम कर रहे थे हम, चरण सिंह चौधरी के यहाँ उनकी लड़की की शादी थी, तो मेरे पास फ़ोन पहुंचा मेरे छोटे भाई का कि तुम्हारी बीवी का मर्डर हो गया, जल्दी आ जा भैया। मैंने विश्वास नहीं माना, वैसे मजाक कर रहा है, फिर भी दिल नहीं जाना, तो मैं वहाँ से भागा उल्टा सीधा। यहाँ मोहल्ले वाले ने बताया कि बात सही है, तो मैं अपनी अभी तब भी भूल गया। मेरा बेटा बड़ा वाला वो बता रहा है कि पापा एक चाकू पड़ा हुआ था यहाँ पर, अंदर किरादार रहते हैं, मैंने वहाँ रख दिया, उन्होंने तुरंत चाकू वहाँ से गायब कर दिया। कभी तो कह रही हैं 8 बजे दावत खाई है, मेरे बच्चे बता रहे हैं 12 बजे रात को दावत खाई है। तो ये रात का मामला है जी। तो रात आप घर पर नहीं थे? जी मैं घर पर नहीं था, मैंने धौली रोड पर था। कब से रह रहे हैं यहाँ पे आप? मुझे आज यहाँ 6-7 दिन हो गए। तो कहाँ पहले कहाँ रहते थे? पहले मैं दिल्ली रह रहा था, 2 साल हो गए दिल्ली रहते हुए। इससे पहले 5 साल में वाले अंदर वाले कमरे में रह गया था। इसी मकान वाले कहाँ थे आप? रहने वाले मेरे बेटे का हूँ मैं। वही DIG, DM, ASP ने इस दौरान मृतिका के परिवार जनों से भी वार्ता कर घटना के संबंध में विस्तार से जानकारी की। प्राइम न्यूज 24 के लिए एटा से विकास दुबे की रिपोर्ट। मिला है आज तालाब के किनारे, आपने दौरा किया है कि क्या जानकारी हासिल हुई और किस तरह निर्देश दिए आपके द्वारा? देखिए ये लगभग आज अर्ली सुबह का इंसिडेंट है, मतलब जो बीती रात है और सुबह है उस टाइम का इंसिडेंट है। इस घर में काफ़ी सारे किराएदार रह रहे थे, उन्हीं में से एक ये किराएदार जो दिल्ली से शिफ्ट हुए थे और हलवाई का काम करते हैं, इन्होंने 24 तारीख को आके यहाँ पे रहना शुरू किया था। पहले भी इसी घर में 2 साल पहले यहाँ पे रहे हैं और रात में इसी घर में एक परिवार के बेटे की आज शादी है, जिसकी रात में दावत भी यहाँ पर चल रही थी। उसके बाद लगभग 3 बजे इन लोगों को पता चला कि ये महिला जिनका सुबह बॉडी मिली है कि ये घर में मौजूद नहीं है, और बाहर वाला गेट उस समय खुला हुआ था, तो इस तालाब के किनारे उसकी डेड बॉडी सुबह इनको मिली है और उसका चेहरे पे किसी हैवी चीज़ से वार किया गया, प्रयास किया जा रहा है उसको भी रिकवर करने की। और कुछ जो इस घर परिवार में रहते हुए बाकी किराएदार हैं उनमें से कुछ लोगों को सस्पेक्टेड को अप्रीहेंड किया गया, उनसे पूछताछ चल रही है और बाकी डॉक्सपर्ड फॉरेंसिक टीम वो सभी लोग अलग अलग टीमें लगी हैं साक्ष्य जुटाने में कि इंसिडेंट क्यों हुआ, किस तरह से हुआ। घर वालों से भी बात हो रही है और बहुत जल्द हमारी 6 टीमें इसको वर्कआउट करने में लगी हैं और बहुत जल्द इस घटना का खुलासा होगा और प्लस किन कारणों से ये इंसिडेंट हुआ वो भी उसकी तह तक जाया जाएगा, तभी इस घटना को वर्कआउट किया जाएगा। अभी तक किसी नतीजे को पहुँच पाई है सुबह से अभी तक ऐसा कुछ? देखिए काफ़ी ऐसे क्लूज मिले हैं जिनको लेकिन आगे अभी और डेवलप करना है ताकि हम फाइनल घटना को वर्कआउट करने में सफल हो सकें।